मुंबई में है दो दिन इंडिया गठबंधन की बैठक, 28 पार्टी के 63 नेता का है जमाव। 2024 लोकसभा चुनाव है नजदीक, एक के बाद एक हो रही है बैठक, सभी पार्टियों की रणनीति है तैयार। मुकाबला क्या होगा, महासंग्राम देखने वाली बात होगी। बीजेपी करेगी इंडिया गठबंधन के रंग में भंग, या इंडिया गठबंधन कर देगी बीजेपी पर सीधा पलटवार। गुरुवार के बाद आज दूसरा दिन भी रहेगा बेहद खास, पहले दिन 5 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, जाने क्या है वो 5 अहम मुद्दे। मुंबई में गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा किए गए। बता दें, विपक्षी पार्टी के नेतागण ने यह फैसला किया कि सीट बंटवारा का मामला को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है भाजपा लोकसभा चुनाव जल्दी कराने का ऐलान कर सकती है। इस बैठक में 28 पार्टियों के 63 नेता हुए शामिल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज यानी शुक्रवार की बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना है। वहीं समन्वय समिति में शामिल करने के लिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के नेतागण के नाम भी मांगे गए हैं। बता दें, यह कमेटी दो लेवल पर बनेगी, एक सेंट्रल लेवल की तो दूसरा स्टेट लेवल की, जिसके बाद एक कमेटी के न्यूनतम 4 ग्रुप होंगे जुड़ेंगे, जिसमें एक ग्रुप गठबंधन के ज्वाइंट प्रोग्राम के प्लान्स बनाने के लिए, दूसरा वर्क प्लान को रेडी करने के लिए, तो वहीं तीसरा सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, साथ ही एक ग्रुप रिसर्च और डेटा एनालिसिस से जुड़ेंगी। अब देखते हैं कौन से वे 5 अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। पहले मुद्दे में सभी पार्टियों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई कि भाजपा बहुत ही जल्दबाजी में है, किसी भी समय लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है। दूसरे मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टियों ने रणनीति को लेकर हाई स्पीड से काम करने पर जोर डाला। तीसरे मुद्दे की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी और बाकी ग्रुप को बनाने की आवश्यकता पर जोर डाला गया, जिससे सीट शेयरिंग की चर्चा पर आगे बढ़ा जा सके। चौथा मुद्दा था कि क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन में रुकावट लाने का प्रयत्न कर सकती है, जिसके बाद ऐसी परेशानी से बचने के लिए रणनीति बनाने पर जोर डाला गया। वहीं आखिरी मुद्दा, बैठक में शामिल होने पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मानना है कि हमें हमारे देश की प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बैठक मुंबई के ग्रैंड हायत होटल में हुआ। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की यह अभी तक की तीसरी मीटिंग है। वहीं आज दूसरे दिन भी सिलसिला जारी रहेगा। बैठक में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना रहा कि इंडिया गठबंधन देश को बचाने की तरफ एक ठोस कदम है। बता दें, विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम बेंगलोर में हुई बैठक में दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि गठबंधन में शामिल 28 दलों में से 7 कांग्रेस से ही बनी है। यही नहीं, 7 पार्टी ऐसी भी हैं, कभी न कभी एनडीए में रहे या भाजपा के साथ सरकार में जुड़े रहे। अब बस कुछ ही दिन का इंतजार है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, एक के बाद एक बैठक हो रहे हैं, पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसा रहेगा मुकाबला, या तो वक्त ही बताएगा किस पार्टी की रणनीति लाएगी रंग और कौन सी पार्टी रणनीति के रंग को करेगी भंग।